बोल 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 संकेत। शुक्ला जी का बेटा क्या कर रहे है भाई? चल कहीं जाते हैं सैटरडे, आज घूमने चलते हैं। नहीं रे आज नहीं यार, अभी तो यार जस्ट लेट हुआ है, खाना खाने बैठा हूँ यार। क्या बनाया वैसे घर पे खाने को? अरे भाई मेरे घर पे 365 दिन दोनों टाइम आलू ही बनता है, हर चीज में आलू भाई, चावल में आलू, अपना चाय में आलू, मतलब आलू तो हमारे घर पे मतलब बोलते हैं ना सिंबल हो गया भाई। अरे लॉल, जब देखो तब आलू ही रहते तेरे घर पे। हाँ बाकी तेरे घर पे क्या बना हुआ है? मेरे यहाँ पे तो आज इटालियन सैंडविच है भाई। अब वो सब ठीक है, खाने में क्या बना? अरे वही बता रहा हूँ, वही बना है आज खाने में, है इटालियन लेट्यूस सैंडविच, समझा? ए भाई कुछ ऐसा बोल जो अपने को समझ में, ऐसा वो भिंडी विंडी गोभी ये अपना कैबेज वेज, कैबेज को क्या बोलते, गोभी बोलते हैं ना, वो सब ऐसा बोल जो समझ में आए। क्या इटालियन लेट्यूस पेटूस बोल रहा है, समझ के बात है। तू एक काम कर, तू मिल मेरे को, मैं तेरे को बताता हूँ क्या होता है लेट्यूस सैंडविच, और मैं कहाँ से लाता हूँ वो भी बता दे। थाने में एक बहुत बड़ा फार्म है यार, वहाँ पे सब ऑर्गेनिक मिलता है, तू आना इधर यहाँ पे, मैं तेरे को सब बताता हूँ, तू मिल मेरे को। अबे नहीं भाई आज नहीं, आज आराम करता हूँ यार। अरे भाई आ जा एक बार, ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक है, तू आ, और ट्रस्ट मी इट इज वर्थ विजिटिंग। तू एक बार आ, मैं तेरे को सब बताता हूँ, तू आ जा, चल फटफट निकल और एक घंटे में मिल मेरे को, ठीक है? अच्छा चल ठीक है, चल ठीक है, डन, चल मैं आता हूँ, मैं एक घंटे में आता हूँ, चल देखता हूँ क्या है, तू क्या बता रहा है मैं देखता हूँ, चल चल एक घंटे में मिलता हूँ। अच्छा बाय। ओके ओके डन, चल भाई लेट मत कर, आ जा ठीक है, चल बाय। हे वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। संकेत से जैसे कि मेरी बात हुई थी, वो मुझे बोल रहा था कुछ तो इटालियन लेटूस पेटूस, पता नहीं वो क्या बात कर रहा था। एक तो सैटरडे का दिन है और उसने मुझे मिलने के लिए बोला, उसने बोला कि कुछ तो कुछ नया मुझे बताने वाला है, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, संकेत भी वेजिटेरियन है, तो उसने बोला कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, और अगर इन्फॉर्मेटिव नहीं निकला तो मैं संकेत को छोड़ने लगा, क्योंकि मेरा सैटरडे बर्बाद किया था, आज मुझे कुछ काम था, बट मैं उसको अभी वापस मिला, अभी मिलते हैं, जब संकेत आएगा तब मैं आपको उससे मिलाता हूँ, ठीक है? टिल देन आप देखते रहो ये व्लॉग। तो फाइनली गाइस संकेत काले आ चुका है, 45 मिनट्स वेट किया, अरे भाई वो आ चुका है संकेत। संकेत तो आज बताओ वो क्या, वो क्या इटालियन क्या पेटूस? आज तेरे को ऐसा चीज बताने वाला हूं ना, तो कभी सुना भी नहीं रहेगा। हाइड्रोपोनिक पता है क्या होता है? क्या हाइड्रोपोनिक भाई? देख तू अगर केमिस्ट्री अगर तूने ज्वाइन किया ना भाई, ओ हो ये कौन? हाय गाइस, भाई सत्यानाश व्लॉग का भाई, मैं व्लॉग नहीं बना रहा, मैं व्लॉग नहीं बना रहा भाई, मतलब हाँ वो क्या क्या हाइड्रो क्या हाइड्रो क्या, आज तेरे को बताने वाला हाइड्रोपोनिक फार्मिंग क्या होता है। हाइड्रोपोनिक तू कभी थाने में येऊर में आया है प्रतीक? फर्स्ट टाइम आया हुआ यार। आज तेको थाने का टूर कराता हूँ, आज तेको बताता हूँ येऊर क्या है। येऊर में हाइड्रोपोनिक का एक बहुत बड़ा सेटअप है, वो तेको बताता हूँ कि आज फार्मिंग कैसे होता है। हाइड्रोपोनिक क्या मतलब ये है क्या? तू चल। क्या? चल अबे बताएगा? चल पानी में उगने वाला सब्जी उसको बोलते हैं। पानी में उगता है सब्जी? अरे भाई जमीन में सॉइल में उगता है ये, दिस ग्रोज विदाउट सॉइल, इसका ग्रोइंग मीडियम है वाटर, सिर्फ पानी में डाल दो सब्जी उग जाएगा। चौंदा समझाए क्या? अबे चल बे शुक्ला चल, आगे देखो बता दो। तो गाइज हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं उस जगह पे। संकेत शायद वो उसके फ्रेंड को कॉल कर रहा है और वो आ रहे गेट पे। आ गए हो? सो प्रतीक फाइनली वी आर हियर इन येऊर, दिस इज विजय पंचाल सर, इनका हाउ आर यू प्रतीक? आई एम फाइन, आई एम हाउ आर यू? गुड। इनका हाइड्रोपोनिक सेटअप है, तो बहुत लोगों को विजय जी एक्चुअली पता नहीं व्हाट इज हाइड्रोपोनिक, ही इज वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड, इससे मैं बता रहा था कि यहाँ पे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग होता है, वी ईट लेट्यूस एंड बहुत सारे अदर एक्सोटिक वेजिटेबल्स, बट ही इज टोटली क्लूलेस, इसको पता ही नहीं क्या है। ये जो हाइड्रोपोनिक बोल रहा है, वो हाइड्रोपोनिक मतलब कि वो पानी में सच में उगता है कि मेरे को पागल बना रहा है? नहीं नहीं, एक्चुअली हाइड्रोपोनिक मींस सॉइललेस फार्मिंग। ओके, टोटली सॉइललेस फार्मिंग एंड दैट टू ओनली ऑन आवर वाटर सर्कुलेशन, लाइक सीइंग इज बिलीविंग, सो लेट मी टेक यू टू माय फार्म। Sure, sure, sure. Yeah. अच्छा हम जा भी सकते हैं फार्म में? Yes. Welcome to Rita Farm. Hi, hi. So let's go there. Yeah, yeah. Yeah. चलो चलो. Please come. Hey, wow, यार. ये तो एक छोटा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे चेंबर बना है इन लोगों ने. पूरा. यार तो गाइज यार फाइनली मैं यहाँ पे आ तो गया हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सैटरडे वेस्ट भी नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत ही ऐसा कुछ देखने मिल रहा है जो मैंने आज के पहले कभी भी नहीं देखा था। मैं सब्जी लेता था, बाहर जाता था, मम्मी पैसा देती थी, दुकान से लेके आता था। एक्चुअल ग्रो कैसे होता है वो तो हमको सबको पता है, सॉइल में डाला और वो ग्रो हो जाता है। बट यार अब ये देखो यार, ये मतलब नेवल है, आप देखो तो
मतलब ये सिर्फ और सिर्फ पानी में ग्रो हो रहा है और बाकी कुछ, और ये वो लेट्यूस है, लेट्यूस जो मैकडोनल्ड्स के बर्गर मैकवेजी में आते हैं, ये वो लेट्यूस है। तो आप देखो यार कितना इन्फॉर्मेटिव और कितना क्रिएटिव है यार, मैंने ऐसा कभी पहले देखा ही नहीं है। तो बाद ना मैं वो विजय सर को पूछता हूँ कि यार ना इनको ये आइडिया आया कैसे। तो यार विजय सर, यार आपका ये जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, तो बहुत ही अच्छा है। मतलब इसके पीछे का आइडिया, मतलब ये आपने कैसे चालू किया, ये मतलब ये नॉर्मल लोगों के दिमाग में तो नहीं आएगा। अगर फार्मिंग फार्मिंग भी कोई करेगा तो आता नहीं, आपको कैसे आएगा? सी, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग इज द फ्यूचर। ओके, लाइक व्हेन देयर विल बी नो लैंड बिकॉज़ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीजिंग एंड द प्राइस एंड एवरीथिंग, इट्स लाइक फार्मिंग के लिए जो लैंड अभी थोड़े सालों के बाद नहीं रहेगी, पीपल विल लाइक बी अट्रैक्टेड to this kind of farming because this is totally on RO water circulation. Wow, yeah, wow. जब हम पालक की बात करते हैं तो पालक वो अपना रेलवे के पास में गटर के पानी में, पानी में, तो we wanted to change the whole concept of it. Like this is totally on RO water filtration. This entire plant is, see how it runs. This is like 24/7 running water. This is how, this is the inlet. This is how the plants are given nutrition only on water, and this is the outlet. Yahan se pani, this is the water comes here, and the same water gets circulated and goes to this tank. And this is our automation system, Blue Labs. So what it does is it will automatically adjust the EC level to 1.2 which is required and the pH level to 5.8. Vijay sir, abhi aapne wo EC aur wo kya bola? EC is the nutrition which required by the plant, aur pH bola to jo uska unko kitna pani ka kitna ye hona chahiye, pH hona chahiye. Okay, pH level jo word alkaline or acidic. Okay, okay, okay. Yeah, so 5.8 is the normal which it is required. If it is 5.8, the plant can absorb the nutrients which are which this unit puts in the water. Okay. It dissolves in the water. Okay. यार संकेत, ये तो बहुत ही डेंजर, एकदम खतरनाक आइटम लेके आया यार, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये सब। अरे देख प्रतीक, प्लांट्स एक्चुअली जो सॉइल में ग्रो होते हैं उनको क्या लगता है? उनको लगता है एक तो ऑक्सीजन, पानी और सनलाइट लगता है, और न्यूट्री प्यार भी लगता है, बात सही है भाई, बट उसको मेन मतलब लगता है न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन। तो अब ये बेसिकली जो हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी है, सॉइल जो मीडियम होता है ना उसको एलिमिनेट करते हैं, तो कोकोपीट या फिर ओएसिस क्यूब में उसको हम ओएसिस, वो हैदराबाद वाला बोला है भाई, मैं तेको बता दो, ओएसिस क्यूब में वो जो सीड्स है ना उसको जर्मिनेट करते हैं सो दैट वो रूट्स होल्ड करते हैं, और ये जो पानी है ना, ये पानी में इनफ न्यूट्रिशन होता है, जैसे पोटेशियम हुआ, NPK हुआ, मैग्नीशियम हुआ, सब कुछ न्यूट्रिशन पानी में डालता है, और वो पानी से वो प्लांट्स को जो है वो न्यूट्रिशन मिलके वो ग्रो होता है, तो सॉइल की जरूरत नहीं है। दिस इज मॉडर्न एज फार्मिंग। एक बात बता, तेरे को सब इतना मालूम कैसे है? तो चिंकी बहुत चेंज हो गई थी। चल चल, मैं तेरे को इसका राज भी बताऊंगा मेरे अगले वीडियो में, कभी हम बनाएंगे तो मैं इसका राज भी तेरे को बताऊंगा क्या है वो। तू बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया भाई संकेत। सवाल यार, दोस्ती रखना भाई, तोड़ना मत। सवाल सवाल। और यहाँ पे आपने क्या क्या मतलब यहाँ पे वी आर ग्रोइंग एक्सोटिक लेट्यूसेस, बहुत महंगा लग रहा है। शो यू, सी दिस इज लाइक, दिस इज द ओक लीफ लेट्यूस। वेट, लेट मी शो यू। ओक लीफ, दिस इज ओक लीफ, देन दिस इज रोमेन लेट्यूस। रोमेन लेट्यूस, या ओके, एंड देन दिस इज बटर हेड मतलब वो मस्का वाला, मस्के का सर। दिस आर ऑल बेसिकली इटालियन लेट्यूसेस, सो द नेम्स आर सिमिलर टू दैट। एंड देन दिस इज रेड लोलो रोसो। क्या 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 क्या? रेड लोलो रोसो। एक मिनट सर, वापस से बोलो, ये व्यूअर्स को मालूम पड़े क्या? इट्स रेड लोलो रोसो। ऐसा लगता है किसी गर्लफ्रेंड का नाम है लोलो। अच्छा विजय सर, मेरे को एक बात बताओ, ये मतलब जो आपने इतने मतलब डेंजर सब्जी के नाम बताए जो मैंने आज के पहले सुने थे, इसको खाता कौन है? मतलब बाकी कोई लेता है या खरीदता है, या जो वो मैकडोनल्ड्स में मैं खाता हूँ जो उसमें वो लेट्यूस होता है, ये वैसे ही वही वाला लेट्यूस है कि उससे बेटर है? एग्जैक्टली, उसमें भी ये यूज किया जाता है, बर्गर्स में डाला जाता है। अच्छा हाँ, बट सबसे बड़ी अहमियत है इसकी तो ये सैलेड के लिए
आप लोग जैसे कोई अमीर लोग हमारे घर में जो सैलेड बनाते हैं, हमारा कुकुम्बर हुआ और टमेटोज हुआ मिक्स करके, तो उसी में हमारे ये पत्ते भी ऐड किए जाते हैं। अरे नाइस नाइस नाइस, जो मतलब थोड़े ऐसा, एंड दे आर लाइक वेरी हेल्दी। By eating the lettuce regularly, you can boost your immune system. Wow, nice. तो सुना आप लोगों ने, तो जितने भी हेल्दी जो हेल्दी फिलिक्स लोग हैं यहाँ पे, तो जो सैलेड वैलेड बहुत खाते हैं, वो यहाँ का एक बार आप ट्राई करके देखो, बहुत ही ऑर्गेनिक है और प्लस बियॉन्ड ऑर्गेनिक जैसा विजय सर ने बताया। और द पॉइंट इज टोटली रेसिड्यू फ्री फार्मिंग, वेयर वी डोंट पुट एनी पेस्टिसाइड्स। नाइस नाइस। सो यार जैसे कि हमारे घर पे तो फ्रूट के नाम पे केला ही आता है, तो ये सैलेड एक बार आप यहाँ पे प्लीज ट्राई करो, बहुत ही मुझे तो बहुत ही सुपर लग रहा है, मैं यहाँ से लेके जाने वाला हूँ। I will also tell you the more, it is rich in vitamin A, C and K. A, C and K, okay. अच्छा विजय सर मुझे और एक क्वेश्चन था, जैसे कि अभी आपने जितने भी प्लांट्स यहाँ पे उगाए ये नेटिव्स एंड ऑल, ये तो सॉइल में भी उगते हैं, तो आपने सिर्फ पानी में क्यों उगाया, मतलब उसके पीछे का वो रीजन क्या है? The reason is, see, सबसे बड़ा रीजन ये है कि सॉइल में पहले हमारे से किसने फार्मिंग किया होगा, उसने वहाँ पे कितने फर्टिलाइजर्स वगैरह डाले थे, वी डोंट नो अबाउट इट। अच्छा, सो दिस इज टोटली लाइक रेसिड्यू फ्री फार्मिंग, दिस विल बी ओनली वर्किंग ऑन आरओ वाटर सर्कुलेशन, एंड वी आर मिक्सिंग द न्यूट्रिशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय द लेट्यूस। तो मतलब यहाँ पे वो चीज एलिमिनेट हो जाती है कि वो फर्टिलाइजर सॉइल्स में जो केमिकल्स डालते थे। तो हमने इस जो आरओ वाटर है उसमें एक फॉर्मूला होता है जिसमें सोडियम मैग्नीशियम जैसे हर एक चीज, कैल्शियम वगैरह हर चीज का एक फॉर्मूला होता है, वो सब कुछ इसमें डाला हुआ होता है, तो प्लांट इज नॉट कंफ्यूज एंड इट ग्रोज इन अ यूनिफॉर्म वे, एंड ओनली इन 45 डेज वी गेट दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। 45 डेज में, वाओ वाओ। अच्छा सर और एक क्वेश्चन था, ये वो जो मैं एक मिनट, तो पीछे वो पंखा है सर, ये किसके लिए सर ये फैन? दिस इज जस्ट टू कंट्रोल द ह्यूमिडिटी, मुंबई थोड़ा ह्यूमिड है, yes. तो ये जस्ट टू कंट्रोल द ह्यूमिडिटी, दिस इज ओके आवर नर्सरी टेबल, यहाँ पे हम लोग, दिस इज आवर ग्रोइंग मीडियम। वाओ क्या छोटा छोटा झाड़ है। ग्रो क्यूब्स, विच वन क्या क्या? ओएसएस ग्रो क्यूब्स, ओके ओके। तो इसको हम लोग एक घंटे के लिए आरओ वाटर में भिगा के रखते हैं, ओके। उसके बाद उसको पूरा ड्रेन करने के बाद इसमें जो सीड्स होते हैं, एक एक सीड्स डालने के बाद इसको 48 आवर्स के लिए एक प्लास्टिक कवर से ढक दिया जाता है, ओके। एंड आफ्टर 48 आवर्स व्हेन वी रिमूव इट, दिस मच ऑफ जर्मिनेशन इज हैपनिंग, इट विल बी ट्रांसफर्ड आफ्टर 7 डेज टू दिस टेबल, 8वें दिन इस टेबल पे ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो टैंक है यहाँ पे हम लोगों ने न्यूट्रिशन 0.9 कर दिया, क्योंकि ये थोड़े बड़े हैं, अच्छा, दे नीड मोर न्यूट्रिशन, यस, इट विल बी शिफ्टेड टू दिस टेबल, ओह ये थोड़े और बड़े, ओके, सो एग्जैक्टली 21 डेज इट विल स्टे ऑन द नर्सरी टेबल्स, ओके, एंड देन ऑन द 22nd डे वी विल शिफ्ट इट टू द एनएफटी। दिस वन जो आपने रोबो लोलो डोडो, ये दिस इज न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, सो दिखाई नहीं दे रहे, आगे आपको मैं दिखाता हूँ, एकदम यूनिक है ना, मतलब देखा ही नहीं कभी ऐसा चीज है, यहाँ से आप देखेंगे तो देखिए आप कैसे इसके रूट्स बाहर आए हैं, हाउ दे ऑब्जर्व द, वाओ 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 वाओ, सुपर्ब, दे ऑब्जर्व ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम थ्रू द रूट्स फ्रॉम द वॉटर। नाइस वन। Nice. We also grow herbs. I would also like to show you the herbs which we are growing. We are growing arugula. It's Roque arugula. The exact name. Yeah, rasgulla ka bhai to nahi. Haan, log isko rocket bhi bolte hai yahan pe. Sir, rocket. Rocket bhi bolte hai, rocket leaves. This is the Roque arugula which you can see. As I was talking to you about the herbs, this is curly kale. Curly kale. So they are so rich, like they have got cancer fighting properties. Wow. It's Roque arugula. Roque arugula. Arugula. Arugula, sir. Okay. And sir, मतलब for example, अगर किसी को भी ये ऑनलाइन अगर ऑर्डर करना है तो आप उसको अच्छे से पैकेज में करके दोगे, उनको डिलीवर? We have subscription module. Okay. Where we can like deliver to your doorstep. Okay. Doorstep में आ जाएगा. हाँ. And sir, $4.99 के सब्सक्रिप्शन लेने से आपको 5 पैकेट्स एवरी मंथ, एवरी वीक एक एक पैकेट आपके घर पे डिलीवर किया जाएगा। वाओ सर। तो सर ये जो डिलीवरी का आप जो बताया है, तो सर ये ऑल ओवर इंडिया या महाराष्ट्र या मुंबई कैसा चल रहा है? वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन मुंबई। अच्छा, ओनली ऑन मुंबई, तो जितने भी मुंबई के हर एक कोने में आप दे सकते हो। एग्जैक्टली।
ओके सर, कूल लाइक दैट्स। तो विजय सर, लाइक व्हाट, लाइक हु इज योर मेन क्लाइंट? मतलब ये सब्सक्रिप्शन, अगर आप सब्सक्राइबर नहीं बनना चाहते तो यू कैन ऑलवेज फाइंड ऑल आवर लेट्यूसेस एंड हर्ब्स एट ऑल द 22 स्टोर्स ऑफ नेचर्स बास्केट। नेचर्स बास्केट वहां पे जाते हैं और मेन क्लाइंट। वाओ, नेचर्स बास्केट। एवरी फिफ्थ डे वी गो एंड डिलीवर टू ऑल देयर स्टोर्स। सो मुंबईकर्स, अगर आप लोग यहाँ पे आके नहीं ले सकते हो या ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करते तो आप नेचर्स बास्केट में आके ले सकते हो, क्योंकि नेचर्स बास्केट इनके बहुत ही पुराने क्लाइंट है और उनसे उनके पास जो सामान है वो यहीं से आता है, तो आप लोग वहाँ से आके ले सकते हो। गाइस, मैं नंबर, इस जगह का एड्रेस नंबर मैं छोड़ दूंगा, तो आप लोग जाके आप देख सकते हो अपने, और आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप, मैं तो चाहता हूँ एक बार आप लोग आओ यहाँ पे, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जगह है, आप प्लीज़ एक बार विजिट करना, तब आपको समझेगा कि हम लोग जो भाजी खाते हैं और इस भाजी में जमीन आसमान का फर्क है। सो वी मेंटेन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड राइट फ्रॉम द जर्मिनेशन टिल द हार्वेस्ट। डेफिनेटली सर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जितने भी बेस्ट लीव्स है वो यहाँ पे एंड बाकी के सब यहाँ पे कचरे में, जबकि मुझे तो ये भी सही लग रहे, मैं तो ये भी खा लूँ, बट नहीं, इनके प्रोटोकॉल्स है वैसे कि हाइजीन इज फर्स्ट। प्रतीक, मजा आ रहा है कि नहीं भाई? मान गया तेरे आइडिया को और मान गया, ये क्या है, लेटेस्ट इटालियन, बटरहेड, सब लेटेस्ट भाई। बट तेरे कुछ समझा क्या? समझा है सर, थोड़ा बहुत समझा मुझे, बट मुझे लगता है 4-5 बार और आना पड़ेगा मेरे को, और मैं सोच रहा हूं कि मैं चालू करूं। बेसिकली ये पूरा न्यूट्रिशन का खेल है, कितना ग्राम न्यूट्रिशन पानी में डालना है सो दैट द प्लांट्स ग्रो। तो ये तेरा बेसिकली जो एनपीके होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इसका उन लोग ना प्रॉपरली कैलकुलेटेड पूरा पानी में डालते हैं एंड वो हिसाब से ग्रोथ है। तो पूरा खेल है न्यूट्रिशन का और कुछ नहीं है, बस बाकी प्लांट्स को जो नॉर्मल लगता है, सनलाइट मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है और वो न्यूट्रिशन आरओ वाटर से न्यूट्रिशन आ जाता है। तो एक बार तू ये मास्टरी कर लिया तो तू घर पे भी उगा सकता है। इसको घर पे उगा सकता हूँ? हाँ, सवाल। अभी हम लोग बैल्कनी सेटअप चालू करने वाले हैं, तेरे को वो भी बताऊँगा मैं, तेरे को मैं सेटअप करके दूंगा, टेंशन नहीं कर। और द मेन फायदा वो है कि पानी सर्कुलेट होता है, वाटर वेस्टेज नहीं होता है इसमें, बिकॉज अब ये जो पानी तू देख रहा है ना इसमें का, ये वापस आउटलेट से वही टैंक में जाता है और वही वाटर रीसर्कुलेट होता है। तो एक महीने तक यू कैन यूज दिस वाटर, एक दो महीने तक, उसके बाद टैंक को रिफिल कर देते। तो गाइस, फाइनली आज विजय सर से बहुत कुछ सीखने मिला एंड थैंक्स टू संकेत भाई जो मुझे यहाँ पे लेके आया और उसने मुझे बताया। तो गाइस, अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो ये हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के बारे में, तो मैं विजय सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप उनके साथ, मतलब आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो इस हाइड्रोपोनिक का, उसका भी जो लिंक है मैं वो। या आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब फॉर आवर लेट्यूसेस एंड हर्ब्स। श्योर श्योर, दे विल डेफिनेटली। तो अगर आपको गाइस ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग लाइक करो, शेयर करो, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ शेयर करने। और ये नेहा वापस आते हुए हमारे ब्लॉग में बीच में गायब हो गई थी। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कमेंट करो, और इनके चैनल को, सॉरी, इनका लेटेस्ट को प्रमोट करो, नहीं सॉरी, और इनसे सब्सक्रिप्शन लो हेल्दी लीफी वेजिटेबल्स के लिए। यस, तो बाय गाइस, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।